फहीम बिहानवी साहब माशाल्लाह आपके इलाके की आपके बस्ती की एक नुमाइंदगी। अब तक जो दो तीन साल पहले फहीम बिहानवी अपने इलाके के दायरे में सीमित था, लेकिन फहीम बिहानवी को अल्लाह ताला ने अब वो कबूलियत से नवाज दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो गुजरात की सरजमीन हो, चाहे वो बिहार हो या उड़ीसा या झारखंड हो या बंगाल हो, मेरे दोस्तों या आसाम हो, कहीं का कोई इलाका खिताब नहीं बचा जहां फहीम बिहानवी को न सुना जाता हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके की नुमाइंदगी करने के लिए इस बच्चे ने माशाल्लाह कोशिशें की और अल्लाह तबारक व तआला इनसे काम ले रहा है। संजीदा तबका जितना है मेरे असातिज़ाओं का, मेरे दोस्तों फिरिस के अंदर फहीम बिहानवी का एक नाम आता है जिन्हें बड़ी दिलचस्पी के साथ सुना जाता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हम लोग गुजरात के सफर में थे, इंदौर के सफर में थे, भोपाल के सफर में थे, शेख अब्दुल नासिर अल हरक की आमद हुई थी। माशाल्लाह एक ऐसा लहजा जिसको मिस्र के अंदर मलिकुल मकामात कहा जाता है, लहजों का शहंशाह और बादशाह कहा जाता है। मेरे दोस्तों उनके साथ मुसलसल फहीम बिहानवी की माशाल्लाह हाजिरी रही, और हाजिरी ही नहीं बल्कि अपनी शख्सियत, अपनी शायरी, अपने लबो लहजे का इस बंदे ने लोहा मनवाया है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस बच्चे को नजर बद से बचाए और अल्लाह ताला खूब इनसे काम ले। नाते रसूल के तो सिर्फ एक कता दोनों भाई से मैं सुन लूं, ये मेरी तमन्ना है। आप हजरत नहीं एक कता, नहीं तो वरना ये दिल में हमारे और सबके कलक रह जाएगा। हाजी साहब का भी कहना बिना किसी तमीज और ताखीर के मैं फहीम बिहानवी से गुजारिश कर रहा हूँ, एक कता नहीं तो छह छह, बस चार चार लाइन दोनों भाई पढ़ दे ताकि मुशायरा मुकम्मल हो जाए। शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम भाई फहीम जी। आप हजरात हमको जानते हैं, हम आप हजरात को जानते हैं, आप हमसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तो हमारा कोई इरादा नहीं था पढ़ने का, हमने मना कर दिया था, लेकिन हमारे चांद भाई का हुक्म है और मुजाहिद भाई का हुक्म है, बस दो शेर समाज पर सुने। ये ना अता करे होता है कभी एयरटेल का नेटवर्क जियो पे चला जाता है। सभी अंबिया से आला, सुने सुने सभी अंबिया से आला, सभी अंबिया से आला है मकाम मुस्तफा, सभी अंबिया से आला, सभी जो खुदा के बाद आए, जो खुदा के बाद आए है वो नाम मुस्तफा। ये है हजरत फहीम बिहानवी। वाह वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बतें हैं भाई, वाह भाई वाह। इसे कहते हैं मुशायरा लूट शेर। वाह जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत है। जब घर पे मोहब्बतें मिलती हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत। हमारे वालिद मोहतरम भी तशरीफ रखते हैं, आप हजरत दुआ करके अल्लाह उनकी सेहत में बरकत अता फरमाए और उनको लंबी उम्र अता फरमाए। समाज फरमाए, जो खुदा के बाद आए है वो नाम मुस्तफा का, जो खुदा के बाद आए। चांद भाई शेर देखें, ना पड़ोसी भूखा सोए, कैसे सुभान अल्लाह, ना पड़ोसी भूखा सोए, ना कोई यतीम रोए, ना पड़ोसी भूखा सोए, ना पड़ोसी भूखा सोए, ना कोई यतीम रोए, ना पड़ोसी भूखा सोए, ना कोई यतीम रोए, है हरे को उम्मती
उम्मती को है हर एक उम्मती को ये पयाम मुस्तफा। अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद फहीम, बहुत शुक्रिया, वाह वाह बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, अल्लाह ताला चांद भाई को सलामत रखे, दुआओं से नवाजा। सुने जो खुदा के बाद आए, आखिरी शेर समाज फरमा लें, जो मेरे जज्बात हैं, मुझे उम्मीद है कि आप हजरात के वही जज्बात होंगे। सुने शहदो जहां की खातिर, मुजाहिद भाई आखिरी शेर सुन ले, शहदो जहां की खातिर जो कभी पड़ी जरूरत, शहदो जहां की खातिर, हाजी साहब शहदो जहां की खातिर जो कभी पड़ी जरूरत, शहदो जहां की खातिर जो कभी पड़ी जरूरत, तो खुशी से जान देगा, तो खुशी से जान देगा ये गुलाम मुस्तफा का, तो खुशी से जान, अरे भाई खुशी हो जाएगी, क्या बात, तो खुशी से जान देगा ये गुलाम मुस्तफा का, सभी अंबिया से आला। बहुत शुक्रिया दोस्तों।